बहुत स्वागत है। संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर फाइनली भारत सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से जवाब दे दिया गया है। यह वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा झटका कर्मचारियों को लगा है। यहाँ बेटा आपको दिखाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट है। कर्मचारियों की सैलरी को लेकर मोदी सरकार ने संसद में जवाब दिया है और यह जवाब इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका रहने वाला है। अभी तक 10 साल का नियम था कि 10 साल में वेतन आयोग होगा और अभी जो 7वां वेतन आयोग था, इसके पहले 2014 में 13 में कमेटी बैठ के 14 में इसको लागू किया गया था और 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन वेतन आयोग जो कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए था और उसके नियम जारी होके कर्मचारियों को सैलरी में लाभ मिलना चाहिए था, उसको लेकर जवाब क्या आया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया है और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर अपडेट दिया है। पूरी जानकारी आपको यहां पर दिखाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। देश की संसद में जारी गतिरोधों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों यानी कि सशस्त्र बलों के जवानों से लेकर अन्य जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी सैलरी का मुद्दा उठा है और सवाल पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा। कर्मचारी लंबे वक्त से नए वेतन आयोग के जरिए अपनी सैलरी में इजाफे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आज उन्हें बड़ा झटका लगा है क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से इस मामले पर नकारात्मक जवाब दिया गया है। क्या जवाब उन्होंने दिया है और क्या सवाल यहां पर लगा था, वह कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर विभिन्न दलों के सांसद 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रश्न पूछ चुके हैं। क्या सरकार 8वें वेतन आयोग यानी CPC का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्यक्त आक्रोश से अवगत है, तथा यदि हाँ तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने चौंकाने वाला यहाँ पर जवाब दिया है। इस मामले में जब केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा गया तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका जवाब दिया। जवाब देते हुए उनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी 8वां वेतन आयोग गठित नहीं किया जाएगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक सोमवार को लोकसभा सांसद जय प्रकाश आनंद भदौरिया और वी वैथिलिंगम ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर सरकार से सवाल पूछा था। सोमवार को लोकसभा सांसद जय प्रकाश आनंद भदौरिया और वी वैथिलिंगम ने 8वें वेतन आयोग यानी कि CPC के गठन पर सरकार से जो सवाल पूछा था, इसमें क्या सवाल पूछा गया था यह आपको पता होना चाहिए। सवाल पूछा गया था कि सांसदों ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2013 में किया गया था, अगर हाँ तो 7वें CPC के गठन के 10 वर्ष से, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ऊपर जो है यहाँ पर 8वां लिखा है, यहाँ पर 7वां होना चाहिए। अभी 7वां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को यहाँ पर सैलरी मिल रही है, अब इसके बाद 8वां होगा। ये 2013 में 7वां गठन हुआ था, अब 10 साल के बाद समय बीत जाने के बाद भी अब तक 8वें CPC का गठन नहीं करने तथा अभूतपूर्व मूल वृद्धि, जीवन यापन लागत और कर्मचारियों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने के क्या कारण है। अब एक सवाल ये है कि क्या सरकार 8वें CPC का गठन यानी 8वें वेतन कमीशन आयोग के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्यक्त आक्रोश के बारे में जानती है या नहीं जानती है, ये सवाल लगाया गया था। इसके उत्तर में केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है। अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। इसके अलावा अन्य सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के
कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं केंद्र सरकार के इस जवाब से 48 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को तगड़ा झटका लग चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी है वो अब तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट है। आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार अब कोई भी कदम नहीं उठा रही है। एक तरफ से कहें कि आठवां वेतन आयोग गठित ही नहीं किया जाएगा। मुझे उम्मीद जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।